वो तो देखो सीधा टैंक पे पिच के दौरान ही शुरू रहता है, मतलब वो सीधा उठता है बोलता है यार तू बता प्रॉब्लम क्या है, गोलमाल है यार, विनीता का भी कुछ सोच के आना पड़ेगा यार। हाँ। तो हमेशा आगे हमें रोस्ट करना है। ओके ओपन चैलेंज फॉर अभी करके दिखा दो सेक्स, इतने बदमाश लोग हैं, अरे प्लीज दोस्ती टूट जाएगी मैडम। आपने कभी 10 बजे सुबह कॉल किया उसको हेल्प मांगने के लिए? नहीं नहीं, रात को 12 बजे उनको तारीफ, आपने हमारी तारीफ से तासीर भी कर दी, तारीफ कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? महाराष्ट्र में ये जो हमारा ट्रांस हार्बर लिंक है या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, दी शोकेस प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग माइलस्टोन्स ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन। टूरिज्म का जिक्र शायद सबसे ज्यादा था अमंग द इवन दो ये इंटरिम बजट है। लक्षद्वीप में ओयो है, Hello everyone, I am Gayatri Nirmal and today at Pink Villa we have some of the amazing guests. वैसे तो हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ चलता है बट इनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, पिचेस पिचेस एंड ओनली पिचेस। सो प्लीज़ वेलकम विनीता, अनुपम, रितेश एंड अमन। हेलो, हेलो, हाय हाय गायत्री, हाय, ग्रेट टू बी हियर। सो मेरा सवाल मैं आपसे शुरू करती हूँ विनीता, आपके मेकअप में आज कितना शुगर है? 100% शुगर। आई गेट द शुगर रश विदाउट द कैलोरीज। यस एंड दैट्स व्हाट वी नीड, शुगर विदाउट कैलोरीज। फुल ऑफ शुगर लेकिन चीनी कम, ऐसा हो सकता है? ये वो मॉर्निंग वाले जोक्स हैं, हम सबको कॉफी की जरूरत है। कॉफी विद शुगर और विदाउट? ओके, आई हैव माय। यस अनुपम, माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपके शादी.com पर ऐसे ही कभी प्रोफाइल्स चेक करने चले जाते हो कि देखने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है? बिकॉज यू नीड टू नो योर कंज्यूमर्स आल्सो। मेरी मेरी मार्केट में क्या चल रहा है? मैं ट्रेंड्स आईडेंटिफाई कर रहा हूं द मार्केट टाइम्स। मैं डेटिंग साइट्स पे चला जाता हूं। यू नो आज जा नहीं सकते अपनी प्रोफाइल बनाए बना ना। हाँ। तो आप कुछ बोल खोल रहे हो? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। एंड देन माय वाइफ सेज कि यार यहां क्या कर रहे हो, दिस इज व्हाट, सो आई से दिस इज मार्केट रिसर्च। तो मेरे लिए बहुत लेजिटिमेट एक्सक्यूज है टू पुट अप डेटिंग प्रोफाइल्स। हैव यू एवर मिसयूज्ड दैट एक्सक्यूज? भाई माय, हैव यू मेट माय वाइफ? ऐसे चप्पले मारेगी, किधर प्रोफाइल नहीं डालता हूं, कोई चेकआउट नहीं करता, कोई रिसर्च नहीं करता। नो, आई थिंक ही मेट, हैव यू मेट माय वाइफ, शी इज अ 10 एंड आई एम अ 1। मैं वो बात भी है, फर्स्ट वाली बात ट्रू है, लेकिन मैं आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अमन है ना, वो तो देखो सीधा टैंक पे पिच के दौरान ही शुरू रहता है उसका। हाँ, वो तो देखा है हमने, वो तो पूरी दुनिया में आ गया है। I like you too। मतलब आमने सामने का चल रहा है, आमने सामने, ठीक है। प्रिया इसने चली गई क्या गुस्से में? प्रिया को इसलिए हम गाय बोलते हैं, मतलब इतनी भोली भाली, हर चीज में अच्छाई देखती है। वो ये बात को भी लेके कहती है कि तुमने तो एकदम इनोसेंटली बोल दिया, वो लड़की बदमाश, मेरी वाइफ उल्टा मेरे ऊपर ही हावी है। तो भाई मैं इससे आप सीजन 1 के बाद थोड़ा वेल बिहेव, मैं सीजन 1 के बाद ये सीख गए, सीजन 3 के बाद मैं सीख जाऊंगा। सीजन 1 में क्या हुआ था पता नहीं, सीजन 1 में इन्होंने सारी डील्स जो की थी वो और इन 10 ऑन 10 फाउंडर्स इज नॉट चलाने का वो है शार्क टाइम, वो देखना फिर समझ आएगा। अच्छा, उसमें यही द स्पूफ इज ऑन आवर फ्रेंड अनुपम भाई, तो उसके बाद मैं अभी सीख गया, आई थिंक थर्ड सीजन के बाद सीख जाओगे, अभी सीखे नहीं तो। पर आप बड़ा ब्लश कर रहे थे, हमने देखा पहले भी जब भी ये आपको छेड़ रहे थे आप सिनेमन के नाम से ही ब्लश तो नाम भी पता अभी भी एकदम लाल लाल लाल। जब कॉल करता है ना तो आता है प्रॉम्प्ट, आता है कि चेंज अपडेट द कांटेक्ट टू एजी द ओजी बोट, एजी द ओजी। हां, पर मैंने उसका चेंज करके दिया सिनेमम। ऐसे दोस्त है ये, देखा यही लोग हैं जिनके साथ फिर ये कहते हैं हमारे साथ पिच करो, साथ में डील करो, नहीं कर सकते हम। और एंड कैन यू इमेजिन, ही केम फ्रॉम लाइक सिनेमन, क्या चीज है भाई, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, टू इन्वेस्टिंग एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आई थिंक वो डील इज द फर्स्ट डील यू गॉन थ्रू विद। वो तो पैसे भी चले गए, ड्यू डिलिजेंस तो बाद में होता रहेगा भाई, ड्यू डिलिजेंस तो टैंक पे ही हो गया था। आई हेट यू गाइस, बट ये तो मजाक वाली बात है, बट एक्चुअली हाउ डज योर वाइफ रिएक्ट टू सच थिंग्स? Well, it's all in fun banter, no, so it's okay, she's much matured to handle such stuff.
Okay. She's more mature than him. That's yeah, that's for sure. No, that's for sure. But, you know, it was a fun pitch, yaar. Matlab, maza aa raha tha ki, matlab, we were all out and then finally three of us offered it and she turned us around from where we were and, you know, how we finally gave an offer. Then good, on, yeah. good entrepreneur, good founder. Yeah. Right? That's true. वो तो बाद में पता चलेगा. Depends on what you mean by good. मैंने pitch miss कर दिया. क्या? Yeah, I wish I was there also to see you know Aman's antics. कोई chance नहीं था. कोई chance नहीं था किसी और का. आप और मरवा दो और पिटवा दो. रितेश, ये तीनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ये दो सीजन्स कर चुके हैं, दे आर लाइक अ क्लोज नेट फैमिली. हम भी जानते हैं रितेश को पहले से, सब शादी में बुलाए. अच्छा, अमन तो गया था. अमन गए थे और मैं पहली बार इनसे गुलदस्ता के साथ इतना सुंदर प्रेजेंट भेजा था. ओह, इट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट प्रेजेंट्स. आप जानते थे इनको कैसे भेज दिया? मेरा प्रेजेंट नहीं आता, एंड एंटीसिपेशन होता है इनका तो प्रेजेंट था. इन्होंने आकर के इतना मतलब पार्टी किया. ही वाज लाइक पूरा एकदम मतलब इतने सारे लोग वर हैंगिंग आउट कि अमन तो है ही, तो हम साथ में हैंग आउट करते हैं शादी में. इट वाज लॉट ऑफ फन. बट इट वाज फन मतलब द होल स्टार्टअप इंडस्ट्री एंड ऑफ दिल्ली एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया वाज देयर. देखते देखते अब तो बाप बन गया भाई. बायस फॉर एक्शन है ना हमारा. ओके, तो सेट पर भी ऐसे ही चलता, लाइक जब ब्रेक होता है सेट में शूट के बीच, बस यही चलता रहता है. शूट के बीच सेट क्यों, मतलब पूरा टाइम ऐसे चलता है. आपको हमारा सब हंसी मजाक बीच में एडिट करके सिर्फ 15 मिनट का सीरियस पिच दिखाते हैं. मैं आपको बताता हूँ, शूट होने के पहले जो समय होता है उसमें नमिता जो हैज द बेस्ट फूड, सबसे बढ़िया खाना वो लेकर के आती है. वी ऑल लुक फॉरवर्ड. व्हाट डू यू मीन सबसे बढ़िया? वही लेके आती है और मैं खाना ही नहीं लेके आता. Right. And I would doubt, I would contest the word बढ़िया है. नहीं, मैं बताती हूँ नमिता का. सीजन वन में सब लोग बोल रहे थे अरे एक्सपर्टीज नहीं है, आम आउट बोल रही है. नमिता ने तब एक डील की बहुत प्रेशियस कॉल्ड रेयर प्लैनेट. उसके बाद सीजन टू में उन्होंने वो रेयर प्लैनेट में अपनी बाकी सारी डील्स के प्रोडक्ट डाल दिए. फिर सीजन थ्री में शी वाज द फर्स्ट शार्क टू हैव हर एग्जिट 3.5x. ये वो रेयर प्लैनेट इतनी बड़ी कंपनी बन गए. तो अब सीजन थ्री में शी इज लाइक ये सब टाइम पास है, आई ऑलरेडी मेड माई मनी. तो शी इज लाइक एक दिन शी इज एट कांस का सेट, एक दिन शी इज एट मेट गाला, एक दिन शी इज लाइक एंड आवर प्रोड्यूसर आल्सो कीप सेइंग नमिता आप पिच में बैठे बैठे लाइक बीच में यू आर लाइक एंड शी इज लाइक द डीवा. सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग देम. एक दिन वो बीच में डिज्नीलैंड के सेट पे सिंड्रेला भी बन के आई. आई नो, एंड आई मैंने हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है बिकॉज़ देयर इज नमिता. तो हमने जो क्या पहना है उससे डजंट मैटर. नहीं, बट आई थिंक अदर देन दैट मैं आपको बताता हूँ कि पहले दिन से आई नेवर फेल्ट आउट ऑफ प्लेस. में जानते तो थे इंडस्ट्री से सब लोगों को, बट लिटरली पहले दिन पहला डील अमन भाई के साथ किया. अगले दिन और वो डील तो मतलब लाइक इट इज़ नॉट एड येट सो आई कॉन्ट टॉक अबाउट इट. बट उस डील में मुझे पता भी नहीं था कि उस डील में मैं आने वाला हूँ. हाँ, अनुपम ने कहा कि ये डील जो है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे लगता है रितेश भाई तो मना करेंगे नहीं हमारे साथ में डील करने में. और उन्होंने जो पिच किया मुझे देख करके लगा कि शायद मैं भी एंटरप्रेन्योर होता तो मैं ये डील ले लेता. तो मुझे लगता है कि दे वर ऑल क्वाइट नाइस. बेसिकली हम बदमाशों के बीच में एक ज़ेन बाबा को भेज दिया है, एक सुलझा हुआ बच्चा. बिकॉज़ ऑल ऑफ अस आर ऑलवेज लाइक हमारी डील होनी चाहिए, वी आर बेटर, हम मैं ब्रांड बताऊंगी तुम्हें, मुझे प्लेटफॉर्म आता है. रितेश इन ऑल ऑफ दिस झगड़ा गोज लाइक अगर आपको डील मिले या आपको डील मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीत तो एंटरप्रेन्योर की होगी, भला तो देश का ही होगा. लाइक भाई ये शॉक टैंक है, क्या बोल रहे हो? एंड ऑल ऑफ अस लाइक एंड देन यू नो एंटरप्रेन्योर लाइक नेगोशिएट करता है तो उनको बोलेगा देखिए यहाँ अक्सर सुना था बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, यहाँ छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं. तो अगर आप रायगढ़ में ये सोल्यूशन लगाएंगे
तो आपकी डेट भी माफ, आपकी इक्विटी भी माफ, आप सीधा मैं यंगेस्ट बिलियनेयर हूं, मेरे सारे पैसे ले रहो, मुझे कुछ रिटर्न्स नहीं चाहिए. एंड हमें लाइक ओ गॉड सडनली वी आर लुकिंग लाइक रियली स्मॉल दिस सीजन इन कंपैरिजन. आप देखो कि कितना आसानी से बात दूसरी तरफ मोड़ दिया गया. आप प्लीज अपने लाइट हाउस का लाइट इसी तरफ में. नहीं नहीं इधर इधर. हेलो मैडम पहले इधर. खत्म नहीं हुआ. इंस्टाग्राम पे रील डालिए सीजन 1 अमन, सीजन 2 अमन, सीजन 3 अमन. पर मैं आपको बता सियत बताती हूं, सीजन 2 में वो सीधा बैठता था, फिर धीरे 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 अब सीजन 3 में ही इज द हीरो ऑफ द कंट्री. राइट सारा इतना फैंडम है तो ऐसे बैठाता है, सडनली वो उठता है, हम लोग सोच रहे हैं मैं अनुपम मुझसे भैया नंबर में यहां गड़बड़ा. वो सीधा उठता है, बोलता है यार तू बता प्रॉब्लम क्या है. गोलमाल है बट बता प्रॉब्लम क्या है. धंधा भी अच्छा है, फाउंडर भी अच्छा है, तो यार तू ही बता दे. तो अब थर्ड सीजन में उसको इतना भी एफर्ट नहीं करना है कि खुद फिगर आउट करे प्रॉब्लम क्या है. उसी को पूछ रहा है अरे भाई तू बता तेरे धंधे में प्रॉब्लम क्या है. बता तो देते हैं बेचारे यार, अच्छे ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर्स बता देते हैं प्रॉब्लम क्या है. यार विनीता का भी कुछ सोच के आना पड़ेगा यार, मतलब ये हमेशा आके हमें रोस्ट करती है. पर ये हमने देखा है हमारे प्रीवियस इंटरव्यू में भी, विनीता वाज द वन हु वाज रोस्टिंग एवरीवन. नो बिकॉज़ आई एम ऑलवेज ऑब्जर्विंग दीस गाइस. आई डोंट नो, शी इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. शी सेड नाउ शी स्टार्टेड अबाउट इट. ये डिक्शनरी है ओके. ये विनीता ने ज्यादा कॉस्ट डिक्शनरी ये वो है टोमेटो का. ये डिक्शनरी है क्योंकि फर्स्ट सीजन में उसने जे वर्ड रट किया था. तो हमें क्या जोश है, जुनून है, जज्बा है, जायदाद भी ले लो मेरी. सीजन 2 में मर अट गया था. ओके वो एक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक सीजन में. कौन सा? क्योंकि नहीं तो टू मच ब्रेन लोड हो जाता है. क्योंकि उसके ब्रेन में इतना सारा दुनिया भर का जंक पड़ा है तो डिक्शनरी का एक ही अल्फाबेट आएगा. बिकॉज अदरवाइज ऑल दैट अदर जंक ऑफ ज्ञान दैट ही हैज अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम स्मोकिंग टू हेल्थ टू यू नो फाइनेंस, वो कहां रहेगा. तो मां का क्या था? तो मां का था देखिए आप में मकसद है, आप में आपके साथ आज मुकद्दर है क्योंकि आपके साथ मित्तल जुड़ने वाला है और आज मौका है ये डील करने का. यार he's come a long way from jar to ma. And now? And what is now? Season three? This season में तो उन्होंने ऐसा रिया कि जिसका हमें मतलब ही नहीं पता है. He came and first said, आप ना आपके जो टोटके हैं ये हमें समझ नहीं आ रहे क्योंकि आप बहुत बड़े तिगड़मबाज हो. एंड एक और वर्ड था ट से. क्या चटपुंजिया? आप क्या चटपुंजिया काम कर रहे हो? चलो अच्छा. आवर बी लाइक इसके बाद ही बी लाइक ये टैंक को आपने टॉयलेट बना दिया. यस बट ये टट्टी नहीं बोल दिया. थैंक गॉड. यार मैं मतलब विनीता इज सच अ गुड स्टैंड अप. ये मतलब टैंक वाले बुलाते क्यों स्टैंड अप? वन सेक. आई एम ओपनिंग. अच्छा राहुल दुआ डजंट वांट टू सी दिस फॉर. अच्छा मैं आई एम ओपनली चैलेंजिंग अनुपम. सीजन 4 में आप एक्स वर्ड पे लेटर पे वर्ड्स लाओगे. ओके ओपन चैलेंज फॉर अभी करके दिखा दो एक्स. मैं दिस इज सीजन 4. यार राहुल तो हमारा दोस्त है, मतलब उसे भी थोड़ा मौका मिला. राहुल दुआ से बात कर. एक्साइटिंग, एक्सटैटिक, एंटरप्रेन्योरियल. आप जैसा एग्जांपल दुनिया में नहीं है. ही एक्चुअली सो इज इट अ कॉन्शियस डिसीजन या बस हो जाता है? थोड़ी आपने मुझे क्वेश्चन दे रखे थे पहले. नहीं मैं आपको पूछ रही थी कि पहले सीजन में ज था फिर म फिर ट, तो ये कॉन्शियसली आई एम अ पोएट एंड आई डिडंट इवन नो इट. तो अभी समझ में विनीता ऑब्जर्व. विनीता ने बट विनीता की एक खास बात आप सबको अब तक समझ में आई गई होगी. मेमोरी राइट, मतलब इससे ज्यादा कमाल एलिफेंट मेमोरी कहीं नहीं देखी आप. Season 1, Season 2, Season 3, anything, just take the number of the pitch. 40th pitch mein kya hua tha? Chalo, abhi practice karte hain. Funding, kisne deal ki, picture ka naam kya tha, kaun se gaon se aata, how? Chal bata, how? Tumhara sar to itna bada nahi. Itne badmash log hai, they're like, to mujhe inpe thoda aisa report rakhna padta hai. Chal, abhi practice, ek baar hi aapko example deta hai. Vinita, bata, Bummer mein, किसने डील की थी, क्या परसेंटेज था और कौन था? बता दो. तू एंड नमिता ने की थी बट आई एम गेसिंग 50 लाख फॉर लाइक 10%. I also don't know. So I can't validate. But she might be right. ये validate कैसे होगा? But she might be right. I trust her. अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ अनुपम की. मैंने अनुपम का के साथ जब पहला वाला शो किया तो तब एंटरप्रेन्योर की खूब मतलब पिटाई हुई, जैसा तिगड़मबाज ये वो सारी चीजें. अब मैं तीसरे या चौथे में गया
एंड अनुपम वॉज सो मतलब हेल्पफुल टू द एंटरप्रेन्योर. मुझे लगा कि जैसे विनीता कह रही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर मदद करूँ. वॉज शी अ 10? कहाँ यार, मतलब पूरी वाह लगी हुई है, आग मेरे ऊपर क्यों यार बिखेर रहे हो. आग लगी हुई है, आग फैल रही है, कंटेजियस है ना. नहीं बट आई थिंक अनुपम ने मतलब एंटरप्रेन्योर सपोर्ट क्वेश्चन इतना बढ़ा दिया कि जो विनीता ने बताया कि मैं कोशिश करता हूँ, तो मुझे ऑलरेडी फोमो हो रहा था कि यार अनुपम तो अभी इतना मदद कर रहे हैं कि मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करूँ. आस पास कोई नहीं मंडरा सकता. आप लोग माफ कर देते हो. वो बात सही. रितेश आपका जो ब्रांड है, there's a lot of misconception associated with that brand. रितेश अग्रवाल का ब्रांड ही हो किसकी बात. अब उन्हीं का तो ब्रांड है वो. नहीं नहीं मतलब ये बातें नहीं कर सकते, एडिट करवा देते ये बातें. हमने टैग में भी की थी, वो आती नहीं है. पिंक विला इज फ्री मीडिया. वी आर फ्री मीडिया. नहीं देखिए मेरे हिसाब से दो बड़ी चीजें. सबसे पहला तो ये है कि जजमेंट जो है फंडामेंटली नहीं होनी चाहिए. कोई भी कस्टमर आए, वो मैं नहीं चाहता कि मिसकंसेप्शन चेंज हो. मेरे हिसाब से वो सही चीज़ है कि आप जो भी हैं आपके पास में एबिलिटी टू यूज़ अ होटल रूम होना चाहिए. मेरे हिसाब से उसमें मेरे को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है ना मिसकंसेप्शन. आई एग्री. आपका फ्री मीडिया है, उनका है बी फ्री होटल. वो पहला है. पर दूसरा ये है कि उसके साथ साथ सोशल मीडिया में देखता हूँ कि हमारे अगर आप कस्टमर सेगमेंट देखें कपल्स की, वो शायद हमारे 15-20% ऑफ बिजनेस है. हमारे 40% स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस आकर के हमारे साथ रहते हैं, 20% रिलीजियस ट्रैवल. अभी मुझे पहले विनीता कह रही थी कि मैं जय श्री राम से शुरुआत करूं आपके साथ की हेलो की. तो मेरे लिए आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इज हमारे पास हर तरीके के कस्टमर्स हैं, हर तरीके का मार्केट है. पर उसके बीच में जजमेंट नहीं होना चाहिए उसको लेकर के. मेरे को मिसकंसेप्शन बदलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. But anyway, But I think... यही इसी बात बारे में विनीता कह रही थी. मैं कोशिश करता हूँ कि जितने सुलझे हुए पर्सपेक्टिव दे सकूँ वो कोशिश right. करता हूँ कि आप लोगों को. हमारे यहाँ लोग मिलते हैं फिर जाते हुए. क्या शादी इनके यहाँ होती है. हमारे यहाँ लोग मिलते हैं फिर ओयो में प्रोफाइल पर और फिर वहाँ जाते हैं. और साथ में अमन जी का. मैं तो इन्हें कई बार से कह रहा हूँ कि हमारे को शादी से पार्टनरशिप करनी चाहिए. या कि शादी हुई उसके बाद आप ओयो में आ जाए और फिर अमन जी का हेडफोन्स गैजेट लेकर जाए और विनीता मैम का मेकअप लगा कर जाए. देखो सारा फैमिली पैकेज है हमारे साथ में. सिनेमन किचन के बंद मत भूलना. आउच. क्या चीज है ना, छोड़ेगी नहीं आज. You guys know each other's personalities very well. So if y'all had to be the face of a particular emotion, who would be what? And y'all have to say it for the other sharks. Face of an emotion? Yeah. Can you give an example? For example, then it's a meditation. Humorous, Vinita. अरे please, दोस्ती टूट जाएगी madam, please और समझ कीजिए. एक चीज है hero and humorous, ये दो words को आप touch नहीं कर सकते. देखो आज मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरे panel पे जा रहा हूँ, वहाँ पे अच्छे लोग बैठे हैं, मैं वहाँ चले जाता हूँ, यहाँ नहीं बैठ पा रहा मैं इनके साथ. आज ये मैडम कदर ही क्या सोच रही है, कायदे से मुझे कहना चाहिए क्योंकि मतलब ये तो शायद काफी समय से चल रहा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ. आपको ये क्वेश्चन रितेश को पूछना चाहिए since he's new ना, he'll have a perspective. Yes, actually. रितेश आप बताइए कौन. देखिए अमन से शुरू करते हैं. अमन है चिल और यारों का यार, ये दो चीजें. अनुपम जो है यारों का यार, बहुत अच्छा लगा. मतलब सबसे पहले जब मैं आपने कभी 10 बजे सुबह कॉल किया उसको हेल्प मांगने के लिए. नहीं नहीं, रात को 12 बजे, वन डे बिफोर द फर्स्ट एपिसोड इज टू बी शॉट, आई हैव नो आइडिया किससे मदद मांगू बिकॉज आई हैव मतलब टैंक में अगले दिन सुबह जाना है. तो जो शो के फैंटेस्टिक शोरनर विमल, तो मैंने उनसे पूछा कि आप प्लीज बताइए कि किससे मदद लें. उन्होंने कहा कि इस समय एक ही बंदा मदद करेगा. रात को 12 बजे अमन. तो अमन True to himself comes, जब एक mock कर लेते हैं. We actually did a mock pitch एक दिन रात पहले. तो मुझे when I came to the tank first shoot, everybody thought it was my first shoot. But it was probably my second. और पहले वाले में अमन के साथ कर चुके थे. I think अनुपम is Mr. like knowledgeable. उन्हें सब पता है. I think इतना incredible है कि restaurant industry की बात हुई, उसी के अगले बाद में शायद डायपर इंडस्ट्री की बात हो रही है. और उन्हें उस इंडस्ट्री का मार्केट साइज कितना है, क्या सेगमेंट है, कितना यूनिट इकोनॉमिक्स है, इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेशन. उनको तिगड़मबाज का मतलब ही पता है. हाँ मतलब. और दूसरा ये है कि उनकी शब्द और वर्ड्स पे कंट्रोल तो मतलब माशाल्लाह.
विनीता का आपने एक ह्यूमरस तो बता ही दिया, सो कोई दोरा है नहीं। सेकंड चीज़ मैं कहूँगा विनीता की इस मैंने देखा है कि विनीता की एवोल्यूशन बहुत क्लियर है, मैं इनसे पहले मतलब इवॉल्व होती जा रही है। मैंने उन्हें पिछले दो सीजन में देखा है और अब इस सीजन में देखा है। आपने हमारी तारीफ तारीफ कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? अच्छी बोलने का मतलब क्या है? हाँ, तुम प्यार से वो चीज बोल रहे हो जो तुम्हें नहीं बोलनी थी। देखो ये सवाल आप पहले से बता दिया करो, मैं मतलब फंस जाता हूँ इन जगहों में। मतलब क्यों? चलो थर्ड सीजन का छोड़ो, एवोल्यूशन से पहले वाला बताओ। गाली भी प्यार से देते हो यार, मतलब ये आप कहने का मतलब है बंदर से इंसान, राइट? तो इसका जो फर्स्ट टू सीजन वाली जो बातें थी वो बताओ, आप क्या बोलना, थर्ड का बाद में बताना, फर्स्ट टू का आपको क्या लगता था? पहले फर्स्ट टू सीजन का बताओ। तुमने बताया नहीं बंदर। मैंने नहीं बोला, ये इन्होंने बोला है। नो वंडर शी टेक्स योर केस। नहीं, विनीता तो दोस्त हैं। मैं आपको बताता हूँ, इन सबसे ज़्यादा मैं विनीता के बारे में जानता हूँ कि हमारे कई कॉलीग्स हैं जो साथ में विनीता के कॉलेज गए हैं, काम किया है, तो इतनी कहानियां सुनी है मैंने विनीता की और उनके स्ट्रगल्स की। पर देखिए विनीता का ये एग्जाम्पल अमन कह रहे थे, जैसे मैंने देखा कि इस सीजन में विनीता डिसाइसिव है, डील सबसे पहले देती हैं। मैंने देखा पिछले दो सीजन में वो शायद थोड़ा देखती थी मेरे जैसे, मतलब जो मैं इस बार इस सीजन में थोड़ा सोचता समझता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ। इस बार मैं देखता हूँ कि विनीता सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, जैसे रोडवेज में आपने देखा उसमें मेरा मन बन गया था डील देने के लिए, विनीता ने इनिशिएटिव लिया, मैंने कहा कि साथ करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जिससे मैं देख रहा हूँ कि विनीता नए नए एवोल्यूशंस कर रही है। मेकअप कर लिया ना ठीक से? तो लगता है एवोल्यूशन की जरूरत थी। कमिंग बैक टू सीजन 1-2। ओके, सो द बजट वाज अनाउंस्ड रिसेंटली और हमको तो आज तक शार्क टैंक का बजट पता है क्या? किसकी बात कर रहे हो? बजट तो कम कर दिया, सेम कपड़े पहन के। अच्छा अच्छा, ये वाला मैं सोचा आप सोनी शार्क बजट कम हो गया, सेम कपड़े जो इस सीजन के थे मेरे लिए वही है। हमारे लिए तो बजट बड़ा नहीं है, उतना ही। निर्मला सीतारामन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो बजट अनाउंस किया है, सो एज एंटरप्रेन्योर्स आई ऑल सैटिस्फाइड विद द बजट दैट हैज बीन अलोकेटेड टू द स्टार्टअप इंडस्ट्रीज एंड आई ऑल डू यू थिंक ऑल द क्राइटेरियाज हैव बीन मेट? आई थिंक एक चीज रह गई बहुत जरूरी थी, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू हैव कंसिडर्ड कि शार्क टैंक पे जितनी भी फंडिंग की ना हमने वो सारी टैक्स माफ वो उन्होंने नहीं किया, तो तकलीफ तो हुई थोड़ी, बट अदर देन दैट आई थॉट इट वाज ओके। नो आई थिंक अभी इस बजट में ज्यादा स्टार्टअप फोकस नहीं रहा, बिकॉज़ दे वर फोकस मोर ऑन गरीब महिला एंड आई थिंक ग्रीन वेलफेयर, तो आई एम होपिंग कि द फुल फ्लेज्ड बजट में देयर बी मोर फोकस ऑन स्टार्टअप्स, बट आई थिंक ओवरऑल लास्ट 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट किया, आई थिंक इकोनॉमी इज काफी मोमेंटम में, तो सबसे ज्यादा फायदा जब इकॉनमी ग्रो करती है तो स्टार्टअप्स का ही होता है, तो वी आर ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ दैट। एंड आई फील कि ये जैसे इट वाज नॉट मेड फॉर, जैसे होता है ना इलेक्शन से पहले नॉर्मली पॉपुलिस्ट मेजर्स कर देते हैं फॉर वोट, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऐसा कुछ नहीं किया, दैट इट इज मोर पॉपुलिस्ट बजट, वाज लाइक अ नॉर्मल बजट एंड इट वाज लाइक अ वेरी कंट्रोल्ड वन, व्हिच आई थिंक द गवर्नमेंट आल्सो फील्स दैट दे डोंट नीड टू डू पॉपुलिस्ट मेजर्स फॉर वोट, सो दैट्स अ गुड साइन। देखिए मेरे दो टेकअवेज हैं, एक ये है कि R&D के लिए 1,00,000 करोड़ का अलग से बजट एलोकेट किया है। मुझे लगता है कि इस बार आप टैंक में भी देखें तो टेक रिलेटेड बिजनेसेस, इवन अगर वो कंज्यूमर बिजनेसेस भी हैं तो उस पर टेक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन या यूजेज हो रहा है, तो मुझे लगता है उसमें लॉन्ग टर्म R&D के लिए जो 1,00,000 करोड़ एलोकेट किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरा देखिए, मैं टूरिज्म इंडस्ट्री से हूँ और इस बार टूरिज्म का जिक्र शायद सबसे ज़्यादा था अमॉन्ग द, इवन दो ये इंटरिम बजट है, बिल्कुल है, आ रहा है जल्दी, बट हमने अनाउंस कर दिया उसे, पर उसके साथ साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म स्पेसिफिकली अगर आप देखें उस पर इतना ध्यान दिया गया इस बजट के अंदर में भी, मुझे लगता है कि नेचुरली आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। आई थिंक वन अदर टेक अवे बिसाइड्स द 1,00,000 करोड़, पहले तो ये बजट ऑन अकाउंट था, राइट? सो यू कांट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ इट बिकॉज इट इज ओनली अ मिड टर्म बजट, लेकिन एक चीज़ साफ दिख रही है, राइट? आवर नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज़ फास्ट इंचिंग टूवर्ड्स 10%,
पे है, नॉर्थ ऑफ 10%. और जब हम 10-12% से ग्रो करेंगे हर साल, नॉमिनल इज व्हाट मैटर्स, रियल डजंट मैटर दैट मच, इट डज, बट फॉर द एवरेज पर्सन नॉमिनल इज व्हाट मैटर्स. व्हेन यू आर ग्रोइंग 10-12% एंड योर सर्विस इंडस्ट्री इज अबाउट 40% ऑफ द इकॉनमी, दैट मींस एवरी सर्विस बिजनेस विल ग्रो 18-20% अ ईयर, राइट, बाय जस्ट बीइंग प्रेजेंट. और अगर आप मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, तो यू कैन ग्रो 25-30% है. सो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स अगर ये 10-12% की ग्रोथ मेंटेन रही, राइट, नथिंग कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम इमर्जिंग एज अ डेवलप्ड नेशन इन 2047, है ना, विकसित भारत. तो वो गोल है. एंड आई थिंक सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट हैव जस्ट कम ऑनलाइन, जैसे महाराष्ट्र में ये जो हमारा ट्रांस हार्बर लिंक है, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, दीस शोकेस प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग माइलस्टोन्स ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन, एंड सीइंग देम बिकम रियल इज क्वाइट अमेजिंग. ओके, थैंक यू सो मच शार्क्स, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. आई थिंक दिस वाज द बेस्ट इंटरव्यू, डिड नॉट फील लाइक एन इंटरव्यू. So thank you so much. All the best, and we'll just take one last bite from paise you. Paise ka bhej rahe ho? Aap batao. Aapke finance manager se million views aayenge kab aayega? Puchna padega mujhe. Million views ke 10 rupees. Nahi, wo dete nahi, isliye main aapko puch raha hu. But good one. We had fun. Matlab was you are right. Interview jaisa nahi laga. Hi, this is Vinita. Hi, this is Anupam. Hi, this is Ritesh. Hi, this is Aman, and you're watching us on Pink Villa. Thank you.